नमस्कार मित्रों, वर्ल्ड विद्या विथ विशाल मा आप सबनु हार्दिक स्वागत छे। आ कोरोना महामारी दरमियान आपणे ज्यारे शिक्षणनो विचार करीए छीए त्यारे मात्र बे ज विकल्पो याद आवे छे के कां तो विद्यार्थीओ शाळामां जाय अथवा तो ऑनलाइन भणे। हवे शाळामां तो जई शके एम छे नहीं अने ऑनलाइन शिक्षणना पोताना प्रश्नो छे, पण शुं मात्र बे ज विकल्पो छे? त्रीजो विकल्प ना होई शके। आ तो पहला जेवी बात थी कि अमदावाद थी मुंबई जवु होय तो का तो बाय एर जाइए अथवा तो बाय ट्रेन जाइए, पण बाय रोड पण जई शकाय ने? तो अत्यारे शिक्षण में बाय रोड जवानो विकल्प सरस छे। बाय रोड एटले अत्यारे आपणे आ विद्यार्थीओने छापाना माध्यम थी रोज भणावी शकीए तेम छीए। केवी रीते? तो अपना गुजरातना त्रण चार मोटा अखबारों मोटा समाचार पत्रों सरकार साथे टाइप करीने बार पानानी एक पूर्ति एक नहीने एक दिवसे आ विद्यार्थियों सुधी पहुंचाड़े। सरकार पासे बदाज विद्यार्थियों ना नाम अने सरनामा अने धोरणनी माहिती बराबर छे। आ बार पानामा बार धोरणना अलग अलग विषयोनी प्रवृत्तिओ होय, जेमा विद्यार्थीओए कशुक गणवानु होय, चित्रों दौरवाना होय, खाना पूर्ति होय अने एवी अनेक प्रवृत्तिओ आ पूर्तिमा होय। एटले शुं थाय, विद्यार्थीओए शाळाए पण जवानुं नथी अने ऑनलाइन पण भणवानुं नथी, एटले ऑनलाइननो खर्च पण बची जशे अने विद्यार्थीओनुं शिक्षण साथेनुं जे जोड़ाण छे ए अकबंध रहेशे। अपने सहज एम प्रश्न थाय के आपणा गुजरातमां केटला बधा समाचार पत्रों छे छतां एमां अलग अलग विषय की रोज एक पूर्ति आए, धर्मनी आवशे, फिल्म जगतनी आवशे, बिजनेसनी आवशे, पण शिक्षणनी आवा प्रकारनी स्वतंत्र पूर्ति केम नहीं आती होय? शुं आपणे शिक्षण में छापानो एक पावरफुल टूल तरीके उपयोग करवानो चूकी गया छीए? तो आपणे याद राखवू जोईए कि आज़ादीनी लड़त में अपना लड़वैयाओए आज छापानो एटलो सरस उपयोग करेलो जेमाथी एक जनमानस तैयार थयेलो। तो फरी एक वक्त एवो समय आव्यो छे के जेमा आपणे छापानो उपयोग शिक्षणमां करी शकीए। आमां ध्यान ये राखवानुं छे के आमां कोई पण प्रकारनी परीक्षा लेवानी नथी। विद्यार्थीओने जे पूर्तिनुं जे पेज गमतुं होय, जे प्रवृत्ति गमती होय, ए प्रवृत्तिने ए लोको फाइलिंग करे अने एनो एक पोर्टफोलियो बने, जे विद्यार्थीए एक महीनाना अंते शाळा के कॉलेज में जमा करावानो छे। अपने सौ जाणीए छीए कि घणा बधा बाळकोने वाँचता आवडतुं नथी, तो आवा बाळको माटे आ छापाओमां वधु ने वधु प्रवृत्तिओ होय कि जेमां एने वाँचवानुं ओछुं होय। आ सिवाय आ बाळकोना मोटा भाई बहन, वालीओ के अन्य मित्रों पण एमने आ छापानो शैक्षणिक उपयोग केवी रीते करी शकाय एमां चोक्कसथी मदद करी शके। जो कोई गुजरातनुं छापुं अखबार घर आ वातने गंभीरताथी लई अने सरकार साथे टाइप करे तो आ काम करवुं ए एटलुं बधुं अघरुं नथी। गुजरातमां उत्तम शिक्षकोनी टीम छे जे घेर बैठा आवुं कंटेंट पहोंचाड़ी शके अने छापावाळा पासे घणा बधा ग्राफिक डिझाइनर्स, एनिमेटर्स, स्केच आर्टिस्ट अने एवा घणा बधा सप्लिमेंटरी एम्प्लॉइज होय छे। आपणे बधा साथे मळीने आने एटलीस्ट एक महीनो एक पायलट प्रोजेक्ट तरीके चलावीए अने जोईए के केवुं परिणाम आवे छे। आना चार मोटा फायदा छे। एक, कोरोनानुं संक्रमण घटशे। बे, ऑनलाइन शिक्षणथी शिक्षणमां जे वालीनी जे खर्च पड़े छे, बाळकने आँखोने जे नुकसान थाय छे ए पण नहीं थाय। त्रण, बाळको शिक्षण शैक्षणिक प्रवृत्तिओ साथे सतत जोड़ायेला रहेशे। अने चार, आम करवाथी आपणे एक नवुं शिक्षणनुं मॉडल उभा करी शकशुं के जेमां आपणे छापाना माध्यमथी एक आखी मोटी निशाळ आपणे चलावी शकीए। आमां मात्र एक ज एवुं ग्रुप छे के जेने जोड़ावामां तकलीफ थाय अने ए छे खानगी शाळाओ, कारण के खानगी शाळाओमां मोटा भागे सरकारी पाठ्यपुस्तकों भणावामां आवता नथी। एमां खानगी प्रकाशनना पाठ्यपुस्तकों भणावामां आवे छे। एटले आ जे बार पानानी पूर्ति होय एमां जो आपणे सरकारी पाठ्यपुस्तकोने आधारे प्रवृत्ति योजीए तो आ विद्यार्थीओने नुकसान जाय। तो एनो रस्तो एवो छे के आपणे एनसीआरटी अथवा तो स्टेट बोर्ड
ના દરેક ધોરણના જે મિનિમમ લર્નિંગ આઉટકમ્સ છે, એટલે કે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે ત્રીજા ધોરણના બાળકને દાખલા તરીકે બે રકમના દાખલા આવડવા જોઈએ, તો આ વસ્તુ શીખવવા માટે તમે વાર્તા કહો, તમે ગીત ગૌરાવો, તમે એને ચિત્રમાં રંગ પૂરવાનું કહો, આનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. જ્યાં સુધી બાળકને બે રકમના દાખલા ગણતા આવડતું હોય ત્યાં સુધી પદ્ધતિ ગમે તે વાપરી શકાય. પાઠ્યપુસ્તકો આ જ ફિલોસોફીને ધ્યાનમાં લઈને બનતા હોય છે, એટલે કે પ્રાઇવેટ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ પણ આમાં આસાનીથી જોડાઈ શકે એમ છે. તો મને લાગે છે કે આ વિશે થોડું વિચારવું જોઈએ. મને લાગે છે આજની આ વાત આપને ગમી હશે. મળીએ છીએ આપણે વર્લ્ડ વિદ્યા વિથ વિશાલના આવતા એપિસોડમાં. થેન્ક યુ સો મચ.